जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत निश्चित ही विश्व के जो मानचित्र पे आता है, इसका अलग से पहचान है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हैं, चाहे हमारी जो यहाँ लोकल जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके कारण हमारा भारत अलग ही अनोखी पहचान लिए हुए है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और भी चर्चा में है। जो अच्छी बात यह है कि जो उभर के आती है, स्वच्छ अभियान है, योगा है, आयुर्वेद है, और मेक इन इंडिया है, और कौशल विकास है, ये सारी जो बातें हैं इनका संबंध सीधे है एक ऐसी संस्था है जिसको हम बोलते हैं खादी ग्राम उद्योग आयोग, और विलेज इंडस्ट्री है, और खादी ग्राम उद्योग है जिसका एक कमीशन है, उसके चेयरमैन हमारे स्टूडियो में आज हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। विनय कुमार सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सर चेयरमैन हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के। जी, बहुत बड़ी एक उपाधि है आपकी, पूरे भारत को आप देखते हैं। सर, ये खादी ग्राम उद्योग जो इंडस्ट्री है, इसके आयोग जो कमीशन है उसको आप देखते हैं, क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या आपकी और कोई नए तरीके हैं या कुछ प्लान हैं इसको और करने के, बढ़ावा देने के? खादी ग्राम उद्योग का जो बेसिक रोल है वो ये है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। इसके तहत PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो हमारी एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत जो है हम पूरे देश में जो है लोगों को रोज़गार देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले एक डेढ़ वर्षों में खादी ग्रामोद्योग ने अपने कामों में बहुत सुधार लाया है, और हमने ये कोशिश की है कि हम गांव के उस गरीब व्यक्ति को रोज़गार दे सकें और दें जो इसके लिए बहुत ज़्यादा लाला लिखा है। आपने बड़ा अच्छा संकेत दिया है कि एक तो हमारा जो है कि मेक इन इंडिया, हमारे अपने भारत की चीज़ बने और हम खुद बनाएं, उसके साथ ही जो एक जो स्किल डेवलपमेंट है उसके भी लोगों को काम मिलेगा और जो रोज़गार बड़ा अच्छा मिलेगा। सर, इसके क्या क्या जो आपने कहा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, अगर वो आना चाहें तो कैसे आएंगे? ये जो PMEGP योजना है उसका जो बेसिक प्रमाइस है वो ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर उसके सारे डिटेल्स हैं, उसके फॉर्म्स भरे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई बंदिश नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एक होती है जिसमें वो एप्लीकेशन जाती हैं, और वहाँ से क्लियर होने के बाद जो है वो बैंक को चली जाती हैं, और बैंक उनको जो है फाइनेंस करता है। उन एंटरप्रेन्योर्स को जो है KVIC 35% जो है वो सब्सिडी देता है, जो एक 3 साल के बाद का एक प्रोग्राम है उसमें देने का होता है, उस तरीके से दिया जाता है। हमारा बेसिक काम ये होता है कि जिस वक्त वो एंटरप्रेन्योर बने उसको हम हैंड होल्डिंग का वो पूरा साधन दें कि कैसे उसको जो है फॉर्म भरना है, किस तरीके से उसका सिलेक्शन होना है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होनी है, कैसे उसका उद्योग को लगाना है, वो सारे काम जो है, और बैंक में फाइनेंस कराना है, वो सारे काम जो है KVIC करता है, और उसको एक अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी जो है ट्रेनिंग देके एक प्लेटफॉर्म देता है। KVIC का बेसिक काम ही यही है। मेरा सर संकेत था कि उसकी जो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, क्या वो कहीं से ट्रेनिंग उसको ली हुई होनी चाहिए, या क्या उसके मापदंड क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी? शैक्षिक योग्यता को जो है हमने ध्यान में नहीं रखा है। बेसिक यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गाँव में इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, विद्यालय नहीं होते जहाँ लोग पढ़ नहीं पाते। सही बात। लेकिन उनकी एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छा काम बहुत कर लेते हैं। सही बात। हमारे PMEGP के कुछ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने जो है 5 लाख रुपये का लोन लिया था, लेकिन आज उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए एजुकेशन उसका जो है कोई बहुत बेसिक क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन हाँ उसको ये देखा जाता है कि वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, अपने सिग्नेचर कर सकता हो और कुछ चीज़ों को पढ़ सकता हो। सर, ये जो खादी ग्राम उद्योग के ना, जो हमने देखा है कि हर शहर में, कई शहर में तो बहुत से हैं और कई शहर में कम से कम एक तो है ही, छोटे कस्बों में भी जो बिक्री केंद्र हैं, तो बिक्री केंद्र क्यों कितने हैं और उसकी संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि करीब 7,035 हमारे जो हैं बिक्री केंद्र हैं पूरे कंट्री के अंदर, और
अभी हम लोगों ने फ्रेंचाइजी स्कीम भी जो है बनाई है, उस फ्रेंचाइजी स्कीम के तहत हमने करीब 24 लोगों को जो है फ्रेंचाइजी दी है खादी के लिए। अच्छा। जिसमें 9 तो दिल्ली के अंदर ही हैं। अभी तक एक खादी के लिए एक इमेज रही है कि खादी सिर्फ जो है एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति पहनता है या कोई पॉलिटिशियन पहनता है या कोई गरीब आदमी पहनता है। खादी की इमेज को बदलने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत 1000 खादी के जो आउटलेट्स हैं उनको इस साल रिनोवेट किया जा रहा है। अच्छा। जिससे कि उनको एयर कंडीशन बनाया जाए, मॉडर्न बनाया जाए और मॉडर्न जो है स्टाफ भी हो वहाँ पर। सर, ये खादी ग्राम उद्योग के जो बिक्री केंद्र हैं उसमें लोगों का रिस्पांस बहुत है, क्योंकि एक संस्था ऐसी है जिसका लोगों को विश्वास है कि जो इसका प्रोडक्ट होगा अच्छा होगा। चाहे वो के लोग तो जो गांधी जो हमारे सेवा के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उन्होंने भी हमारे बिक्री केंद्र खोले हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा, कहते हैं वो वहाँ से जो गैस की गोली लाते हैं गैस नहीं बनती, तो फलां चीज़ है साबुन बड़ा अच्छा है जी, फिर तेल जो कच्ची घाणी का तेल वो बोले लेते हैं, खादी के कुर्ते पहनते हैं, हालांकि जो लेदर की चीज़ें भी मैंने देखी हैं वो लोग करते हैं, उनको उचित दाम पर मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, लेकिन ये शिकायत है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही जी। नहीं, ऐसा अब नहीं है, शायद हो सकता कि पहले ऐसी कोई बात रही हो। अभी सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और बहुत सारी बंद इंस्टीट्यूशंस को भी जो है खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के, आपको शायद मालूम ही होगा कि खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हैं, वही खादी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से खादी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है उछाल आया है, मुझे कहना चाहिए। सही सही। और मैं पिछले साल का आपको आंकड़ा अगर दूं तो मैं आपको बताऊं कि 1510 करोड़ का हमारा जो है खादी का ही टर्नओवर हुआ है। अच्छा। जो पिछले के पिछले साल से करीब 29% ज़्यादा है। तो उसका कारण है कि इसका मार्केटिंग, इसका प्रोडक्ट जो है बहुत क्वालिटी है, और खादी के लिए मैंने देखा है कि देश में एक अलग इज्जत है लोगों के अंदर। खादी का दूसरा नाम ही है प्योरिटी। सही बात। उसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती है, हैंडस्पिन हैंडवुमन चीज़ होती है। खादी के विलेज इंडस्ट्री के भी जो प्रोडक्ट हैं लोगों का इतना फेथ होता है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर वो गोली खा लेता है तो वो कहता है उसको गैस नहीं मिलती है। खादी के जो साबुन होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं, तो आज यूथ ने भी उसको जो है अडॉप्ट करने की बहुत कोशिश की है। और खादी को कैसे और मॉडर्न किया जाए उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरनेशनली फेम की जो डिज़ाइनर हैं ऋतु बेरी, उनको खादी कमीशन ने एडवाइज़र अपॉइंट किया है और उनके एडवाइस से हम लोग जो है नए नए डिज़ाइंस लाते हैं और उसको मार्केट में ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर एक खादी के लिए एक नई भावना, नई प्रेरणा देखने को मिली है। सर, मैं आपसे ये कहूँ कि आप चेयरमैन हैं आयोग के खादी ग्राम उद्योग, जिस तरह से आप स्मार्ट हैं जी, आपके बिक्री केंद्रों पर ऐसा बहुत कम लोग हैं जो सेल पर्सन हैं वो स्मार्ट हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ और मैं जिस भी सेल्स आउटलेट में जाता हूँ और वहाँ के लोगों को देखने के बाद सबसे पहले यही कहता हूँ कि आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने सेल्समैन सेल्स गर्ल्स को स्मार्ट बनाने की। अगर सेल्समैन या सेल्स गर्ल ही थकी हुई लगेंगी तो कोई कस्टमर जो है उसको लेना पसंद नहीं करेगा। सही, सही। मैं आपको बताऊँ, मैं कल भी एक यहाँ पर एक सेल्स आउटलेट में था, बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर है वो सेल्स आउटलेट है खादी का, जिसका सेल भी करीब 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन मैंने वहाँ पर भी यही मैसेज दिया कि आज हमको भी उतने स्मार्ट बनने की ज़रूरत है जितना स्मार्टली हम खादी को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और नवीनीकरण के लिए एक और भी, जैसे ना सर, ये मतलब खादी ग्राम उद्योग से कहीं लोग पीछे हैं जो आजकल क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बना बनो के अपनी दुकानें खोल लेते हैं जी, लेकिन उनके पास लड़के बैठे हैं फटाफट कंप्यूटर पे, हाँ जी क्या ले फलां जी, वो उनको कंप्यूटर से पर्ची निकलती है हमारे, क्या क्या बात है। तो आप सर, ये आपका जो आउटलेट है उसमें काम से थोड़ा लगे यार, लड़का स्मार्ट है, कंप्यूटर से जाना है, पर्ची बिल आ गया इस तरह, तो एक इम्पैक्ट रहता है यार, खादी हमारी वो नहीं है वो जी, खादी का कुछ ऐसा कोई है प्लान? जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा जो 1000 आउटलेट्स को हम जो मॉडर्न करने जा रहे हैं उसमें एक वो भी है कि कंप्यूटराइज बिलिंग होगी, स्मार्ट लोग होंगे, और वैसे अभी मैं आपको कहूँगी एक साल के अंदर जो है काफ़ी चेंज भी आया है, ये ट्रेनिंग बराबर चल रही है क्योंकि इतना विशाल विभाग है ये, इसको आप एक दिन में बदल नहीं सकते, इसको बदलने में भी जो है आपको समय लगेगा
और मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर जो हम लोगों ने अचीव किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है। नहीं, बहुत अच्छा सर। अच्छा, इसको स्कंदर साहब और भी ना इसको और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए, बाइबल बनाने के लिए क्या क्या प्लान है आपके पास? मैंने आपसे जैसे कहा कि हम खादी की फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर खादी के आउटलेट्स नहीं हैं जी। अगर वहाँ हैं तो वो इतने पुराने और इस हालत में हैं कि लोग उसको रिकग्नाइज नहीं करते। सही। इसकी वजह से जो है खादी इंडिया ब्रांड को जो है डेवलप कर दिया गया है। अभी भंडार और भवन जो पहले कहलाया करते थे हमारे आउटलेट्स, उनको चेंज करके खादी इंडिया का नाम दे दिया गया है 1 दिसंबर से। उसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। होता ये था कि अगर मैं खादी लेना चाहता हूँ और आज एक सिटी में हूँ तो मुझे खादी के आउटलेट्स हो सकता है 3-4 दिखे हों जिसका अलग अलग नाम हो, लेकिन मैं रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि कौन सी सही जगह है जहाँ से मुझे लेना चाहिए। सही सही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ब्रांड कर देने से किसी भी कस्टमर को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। उसको मालूम पड़ता है ये खादी इंडिया लिखा हुआ है तो खादी इंडिया मीन्स कि ये रिकग्नाइज आउटलेट है, यहाँ से हमें लेना है। उसका असर बहुत पड़ा है। तो ये ब्रांडिंग भी हो रही है और इसके बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। सर साहब, आयोग के चेयरमैन के नाते आप बताएँ कि और क्या क्या प्रोडक्ट आप कोई आने कोई नया लाने का या कोई इम्प्रूवमेंट करने का क्या प्लान है कोई नया नया प्रोडक्ट कोई? अभी हम लोग जो है खादी के अंदर एक जो बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अभी तक डिज़ाइनर क्लोथ जो थे वो नहीं मिला करते थे। खादी में जो हाई एंड ब्रांड था वो नहीं था। अभी तक खादी के अंदर जो था या तो एक लोअर क्लास था या एक मिडिल क्लास था। और जो पॉलिटिशियंस को जो कपड़ा चाहिए होता वो बहुत हाई ग्रेड का होता, वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं उसको परचेज करने वाले। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी डिमांड है, लोग चाहते हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली कपड़ा है। इसको पहनने से आपकी स्किन को फ़ायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है और ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। आज ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट का कपड़ा आपको सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर खादी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जिसकी अपनी एक वैल्यू है। तो ऐसे ब्रांड को जो है इंटरनेशनल मार्केट पे तो लाना ज़रूरी है ही, साथ में हिंदुस्तान में भी हमारे जो एलीट क्लास है उसके लिए भी एक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऋतु बेरी को हम लोगों ने अपॉइंट किया है। वो एक स्टोर ही सेपरेट उनके लिए बन रहा है जो उसी क्लास के लिए होगा, जहाँ आपको 10,000 की रेंज से शुरू होगा और 30,000 तक का कपड़ा मिलेगा। आपके पास हर रेंज का, हर जो इनकम ग्रुप का आपके पास वो जो कस्टमर आएगा? जी, चाहे गरीब से गरीब हो अमीर से। बिल्कुल, हमारे पास 50 रुपये पर मीटर से लेकर जो है 2500 रुपये पर मीटर तक का कपड़ा होता है किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर ये चीज़ गरीबों की जो पहुंच से निकली तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वाला जो खप सपना वो नहीं, तो फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आपसे कहा कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो गरीबी लोग लेके जाते हैं। सही सही, उन्हीं के काम आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनाने वाले लोग हैं वो स्वयं भी बहुत गरीब लोग होते हैं, तो उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आपके बहुत से केंद्रों में देखा है जो नेचुरोपैथी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और कुछ जो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर जाते हैं भाई सपा सपा पता नहीं क्या नाम देते हैं, लेकिन वो हमें यह है कि वो पूरी अच्छी तरह मसाज होती है, पूरा इनेमा करके पूरा बॉडी को क्लीन करते हैं जी। कोई भी नाम दे लो, ये संस्था के साथ आपकी बहुत बड़ी सेवा है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद जी, क्योंकि आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम है आपका। इसके मुतल्लिक और कोई क्या क्या आपको कोई और है कि कोई प्लानिंग, ताकि लोगों को साथ साथ और भी युवाओं को साथ और मैक्सिमम जोड़ा जाए? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। अभी तक हमने ये देखा है कि जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर में कुछ फिक्स्ड चीज़ें थीं जिनको बुलाकर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया अगरबत्ती अचार ये सब, लेकिन अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि समय की मांग क्या है और उस एरिया की क्या खासियत है, उसके लिहाज से जो है वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बनाए जाएँ और फिर जो है लोगों को बुलाकर उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जैसे बॉम्बे इतना मशहूर सिटी है, फिल्म सिटी कहलाता है, लेकिन केवीआईसी में कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई कि हम शॉर्ट फिल्म्स की किसी को ट्रेनिंग दें या लाइटिंग की कोई ट्रेनिंग दें या ऑडियो वीडियो की कोई ट्रेनिंग दें, इस तरीके की कोई ट्रेनिंग कभी नहीं दी। सही, सही। तो इस क्योंकि बॉम्बे इतना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही बहुत सारे सिटीज़ हैं। नागपुर है, जैसे नागपुर के एक टेम्पल सिटी है, नागपुर के अंदर इतना टन्स जो है वो फूल जो मंदिरों में चढ़ता है वो निकलता है, वेस्ट होता है, उस वेस्ट
मटेरियल को कैसे यूज़ किया जा सकता है उसकी ज़रूरत है। वो वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाए, एट द सेम टाइम किसी की इनकम भी हो जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी जो रीजनल एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंस है जिस चीज़ की, उनको ध्यान में रख के जो है ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। वो एक महीने में रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम नए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च करेंगे, जिससे जो है लोकल लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया सब, क्योंकि युवाओं को जब तक नहीं जोड़ेंगे तो जो हमारा युवा भारत है जी, तो कैसे आगे बढ़ेगा। ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास किया है। मैं सर ऐसे है कि इसमें ओवरऑल टोटलिटी में आप कमीशन के चेयरमैन हैं खादी ग्राम उद्योग के, आपने तो अपनी भूमिका बता दी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे प्लीज़। मैं चाहूँगा कि खादी उनके देश की धरोहर है, इसे अपनाएं। और जब खादी पर वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 40 रुपये जो है उस गरीब इंसान के घर पे जाता है जिसने उसको अपने हाथ से बनाया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाज सेवा का इससे बड़ा कोई जो है संदेश हो सकता है। मैं चाहूँगा कि लोग खादी अपनाएं, और प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि खादी कम से कम एक दिन आप पहने, उसका सिर्फ सीधा संदेश यह है कि गांव का वो गरीब आदमी जो है अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके और स्वयं जो है वो ये कह सके कि मैं अब जो है किसी का लाचार नहीं हूँ और खादी ने मुझे जो है देश में अपने इज्जत से जीने का एक मौका दिया है। सिन्हा साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, बातें बड़ी कमाल की बातें हैं, आम बातें हैं लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आम बात है, लोगों की बात है तो अच्छी लगती है जी। तो इसलिए अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन समय है तो फिर कभी आप सर हमारे स्टूडियो में आते रहिए, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहिए ताकि लोगों को साथ साथ जोड़ा जाए। आप स्टूडियो में आए हैं, हमें अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे खुशी है कि आपने जो है खादी के बारे में इतना जानने की कोशिश की, और ये संदेश जो है मुझे लगता है कि देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।